हाँ तो भाई साहब, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये जो लोकेशन है ये बहुत बढ़िया है, और जो व्यू है उसके पैसे वसूल हैं। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम एक नई लोकेशन पर आ चुके हैं। ये लोकेशन बहुत प्यारी है, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा। हमारे साथ है ज्योत और तीन लोकल है हमारे साथ, जिनका मैं बता दूं। एक ये है रणछोड़ भाई, भीम और बाला, भीम का बाला। तो ये लोग हैं हमारे साथ। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, एंड में बहुत ही बढ़िया वाला सिनेमैटिक आपको सीक्वेंस मिलेगा। और उसके भी एंड में मैं ये कहाँ पर घूम रहा हूँ इसकी मैं लोकेशन आपको बताऊँगा, ताकि आप भी इसको एक्सप्लोर कर सके। तो मिलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों, ज़्यादा आगे नहीं आए अभी तक, शायद 1 किलोमीटर हुआ होगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिए। ये सारे पर्वत देखिए यार, ये जो वाटरफॉल है इसका जो पानी इधर से आगे जा रहा है, और ये देखिए अगर बारिश आती है तो ये सारा का सारा जो पानी है वो इन सारी भीखड़ों से नीचे गिरेगा, और इधर का जो पानी का लेवल है वो बहुत ही जल्दी ऊपर चला जाएगा। तो बारिश में ऐसे वाटरफॉल्स को विजिट करना बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो आज अच्छा है कि बारिश नहीं है, हल्के हल्के क्लाउड्स आ रहे हैं। हाँ तो देख लीजिए ये कितना ऊपर है, आपको नहीं दिखेगा कि ये कितना ऊपर है। ये मिनिमम 7 से 8 मंजिला ऊपर है, और जब बारिश में इधर पानी ऊपर से नीचे गिरता होगा तो इसका लेवल कितना ड्रामेटिकली बढ़ जाता होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये कितनी बढ़िया लोकेशन है। ज़िंदगी में दो चीज़ें पहली बार मेरे साथ हुई है। एक, जब भी हम ऐसे गांव में आते हैं, कहीं ऐसी रिमोट लोकेशन पर आते हैं, और किसी को पूछते हैं कि कितनी दूर है लोकेशन, और जब वो बोलता है कि बस यहीं है, उसका मतलब है भाई साहब और 5-6 किलोमीटर चलने के लिए आप रेडी हो जाओ। तो ये नहीं हुआ, भीम ने हमको बोला बस यहीं है, तो लोकेशन भी यहीं निकली। और दूसरी चीज़, बहुत ही कम हैसल करने के बाद, मतलब कि काफ़ी कम ट्रैकिंग था, और ऐसा करने के बाद हमको इतनी प्यारी लोकेशन मिल गई जो कि बहुत ही बढ़िया है। और आप जैसे कि देख सकते हैं ये पानी काफ़ी ऊपर से आ रहा है, और बहुत ही बढ़िया सीनरी लग रही है। अमेज़ॉन के जंगल में मैं कभी गया नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही है। हाँ तो भाई साहब, थोड़ी मेहनत मैंने की है, अभी थोड़ी मेहनत आपको करनी है। इस वीडियो पे 500 लाइक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चिल किया, बैठे, फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाए, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि धूप जो है वो काफ़ी आने लगी है, और हमको अभी नहाना भी है बहुत अच्छे से इस पानी में। आगे नहाएंगे, यहाँ पर पानी गहरा है थोड़ा, तो डूबना नहीं है हमें। थोड़ी थोड़ी आती है स्विमिंग, ज़्यादा नहीं आती। हाँ तो जनाब, ये थोड़ी थोड़ी स्विमिंग क्या होती है, या तो आती है तो ऊपर तैरोगे, या तो नहीं आती तो डूब जाओगे। मुझे रणछोड़ भाई ने बोला आप डूबेगे तो मैं आपको बचा लूँगा, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेना है ऐसा। तो यहाँ से अभी आगे निकलते हैं। इतनी प्यारी लोकेशन पर आकर इतने अच्छे क्लीन पानी में अगर नहीं नहाए तो यहाँ पर क्यों आए, सवाल आएगा ना। तो हम सभी ने नहा लिया है, रणछोड़ भाई, ज्योत, भीम, सब ने हम लोग नहा लिया। और ये देखो भीम को भाई हमारा कैमरा पसंद आ गया, तो रख रहा है वो, उसने बोला वो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करेगा, दे दिया। ये देखिए कितना मस्त जा रहा है ये पानी। और इधर कोई और भी आया है ट्रैकिंग करने के लिए, इतनी एज पे चल रही है वो आपके साथ कैमरे में नहीं पता आएगा, लेकिन भाई साहब अगर गिरी ना कुछ नहीं बचेगा, वो देखो दूसरी। अरे 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 अरे, तो हम रिटर्न जाने के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है, पीछे दूर दूर तक अच्छा जंगल है, और हम ट्रैक कर रहे हैं। हमारे बिल्कुल लेफ्ट तरफ इधर ये पानी जा रहा है, और बहुत ही बढ़िया इसका साउंड आ रहा है। थोड़ी गर्मी बढ़ चुकी है यहाँ भी धूप के कारण, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, अदरवाइज़ इट्स टोटली फाइन। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ मैं और ज्योत शूज़ पहन कर भी ट्रैकिंग वाले नहीं जा पा रहे थे, वहाँ पे भीम और हमारे दूसरे भाई बिल्कुल ही नंगे पैर आ रहे थे, तो दैट वॉज प्रीटी अमेजिंग, राइट। और ये देखिए, अरे वाह वाह वाह,
क्या बढ़िया वाला व्यू है। पकड़ नहीं स्मूथ। तो दोस्तों ये हमारी ट्रैकिंग की स्टार्ट थी, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो पानी कितना क्लियर है और इसी को क्रॉस करके हम लोग निकले थे। तो वही बहुत ही एंट्री जो थी बहुत ही मज़ा आ गया कि ये वाला एंट्री बहुत अच्छी है, पानी में से क्रॉस करके जाना है और आगे भी हमको बहुत मज़ा आई। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी धूप भी बहुत आ रही है। तो मिलते हैं यहाँ पे, बिल्कुल हम मक्को के खेत के बीच में से निकल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रही है सच में, धूप निकल चुकी है लेकिन अभी भी चलने में मज़ा आ रही है। वो जो इतना गर्म होता है वो अभी तक हुआ नहीं है, इट्स फन। हम जिस वाटरफॉल में जाके आए उसका पानी आके इस रिवर में मिलता है और इसका पानी आप देखिए कि कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये देखिए मुझे मतलब एंड में अंदर तक सब दिख रहा है और काफ़ी बढ़िया पानी है। मैं अंदर डालता हूँ फ़ोन और देखता है आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। तो हम जिस वाटरफॉल पे जाके आए उस वाटरफॉल का पानी इस नदी में आता है और ये वाला पानी एकदम क्लियर है। मुझे ऊपर से जनरली जब भी हम रिवर्स को देखते हैं तो उसका बेस नहीं दिखता, इसमें मुझे इधर से भी बेस दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे नीदरलैंड्स या कोई बाहर के जो अच्छे देश का क्लीन पानी होता है बिल्कुल ऐसा लगता है। और ये वैसे पसीना नहीं है, हम लोग अभी यहाँ पे हाथ मुँह धो के आए और वही है। और अब पता चला कि आगे भैंसें भी नहा रही थी, कोई बात नहीं। अब सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो 500 लाइक का टारगेट है पूरा कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल दैट बाय बाय। अरे लोकेशन बताना भूल गए। हाँ तो जनाब ये जो वाटरफॉल है ये दांता के जंगल में है और इसका जो पानी आता है ये मिल जाता है सीधा अर्जुन की नदी में, वो भी वहीं पर है। तो आई होप यू विल एंजॉय द लोकेशन।